हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गार्की ब्लॉग्स वंडर बॉक्स। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। रीजन बिहाइंड कि हम आज एक बहुत ही खास जगह पे आए हैं, एक बहुत ही खास इंसान से मिलने के लिए यस। और इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं हमारे वीडियोस पे, एक नहीं इनफैक्ट दो वीडियोस पे मिल चुके हैं, शायद तीन वीडियोस पे मिल चुके हैं। ये एक प्रोफेशनल डिजाइनर है जिनका एक खुद का बुटीक है और साथ ही साथ में ही इज वेरी पैशनेट अबाउट फूड ऑल्सो। सो ये खुद का इनका एक फूड वैन हुआ करता था जो कि 4 साल तक इन्होंने रन किया था और उसके बाद फाइनली इन्होंने अपना खुद का एक पूरा सेटअप किया है। सो वी आर हियर टू मीट मिस्टर जसमीत और आपसे भी हम जल्दी मिलवाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको उनके नए रेस्टोरेंट को दिखाना चाहते हैं। Man who is the reason behind the success of Meals on Wheel and Hi Jez. So first of all, congratulations for the new venture. Thank you so much. And 4 years running a food van or uske baad finally a takeaway. My dream. Yes, your dream. Yeah. You told me, I remember ki tumne mujhe bataya tha ki jab hum tumhare boutique wale shoot kiya tha, jab sabse pehle tumhara us time pe tumne kaha tha ki tum ek food takeaway ya ek food restaurant open karna chahte ho. Dream tha mera khulne ka, lekin mujhe pehle startup ke liye chhota sa ek फूड ट्रक स्टार्ट करना पड़ा कि कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, कस्टमर क्या डिमांड करता है, सब चीज़ को जानने के लिए। एंड आई मस्ट से दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा हुआ है कि कस्टमर्स में कितना ज़्यादा क्रेज रहता था तुम्हारे फिश टिक्काज और अफगानी चिकन और चिकन टिक्का सारे डिशेज के लिए। आई नो काफ़ी लोग आज भी लाइक करते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपका फूड खाएंगे क्योंकि आपका फूड रेंज भी अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। Completely, I agree with लोग मेरा काफ़ी साथ देते हैं इस चीज़ में, मेरे को इंस्पिरेशन देते हैं आगे बढ़ने की। So, कर रहे हैं इसके आगे क्या प्लान कर रहे हो, मतलब इसके आगे अभी रेस्टोरेंट तो टेक अवे अभी एक फर्स्ट ओपन किया है, नेक्स्ट ईयर एक और ब्रांच खोलने का है मेरा। Okay, जयपुर में ही? जयपुर में ही। Okay, बाहर से भी ऑफर आ रहे हैं लेकिन अभी पहले जयपुर में सेटल कर लें, उसके बाद बाहर देखेंगे। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द जयपुराइट्स, क्योंकि सच में वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेस कि इट्स अ डिलीशियस फूड। इफ़ यू रियली वांट टू टेस्ट द डिलीशियस फूड, स्पेशलिटी इन नॉन वेज। हमारी स्पेशलिटी नॉन वेज है, राइट? नॉन वेज एंड बारबेक्यू फूड, मोस्टली बारबेक्यू फूड। तो तुम अभी भी खुद ही बनाते हो या यू आर टेकिंग हेल्प? ऑब्वियसली मैं ही काम करता हूँ यार, मेरे को करना पड़ता है, लोग मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। नहीं, वो बात तो सही है, हम खुद बहुत बड़े फैन हैं आपके हाथ के खाने के। आज मेरे को वहाँ ग्रिल पे मेरे को सारा बना के मैं ही देता हूँ, लोगों को सर्व करता हूँ मैं खुद ही। ओके, तो आज क्या स्पेशल बना के खिलाने वाले हो? मैं वेज और नॉन वेज क्या खाओगे? ऑब्वियसली नॉन वेज। ठीक है, मैं आपको मेरे यहाँ की बिरयानी खिलाता हूँ और आपका फेवरेट फिश टिक्का। यस, बंगालीज को फिशेज वैसे भी बहुत पसंद होती है और जैज के यहाँ की फिश टिक्काज की तो बात ही क्या है। सो लेट्स सी। करी हुई है, हियर इट इज, और माय ऑल टाइम फेवरेट ऑफ दिस मील्स
ऑन व्हील्स फिश टिक्का, ये हम दोनों का और चेंज, हम दोनों का फेवरेट है। यस। और ये है जैस, ये खाने का नहीं मिलता। ये सिर्फ मैं खिलाने को मिलता, खिलाने का मिलता है। इसमें तवा बिरयानी बनती है, इसमें ग्रेवी बिरयानी बनती है, थ्री वैरायटी। इसमें रेगुलर तवा स्टाइल, जैसे आप उसको तवा स्टाइल भी कह सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब तवा स्टाइल बिरयानी हम देखते हैं ना मार्केट में, बहुत स्पाइसी होता है, इतना स्पाइसी होता है कि दो तीन चम्मच खाने के बाद है ना फिर कान से धुएं निकलने लग जाते हैं। लेकिन इसमें स्पाइसी नहीं है, बहुत हल्का, बहुत ही सटल स्पाइसेस हैं जो कि आप बिल्कुल आप आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट है। बिरयानी तो हम खाते रहेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बटर बटर चिकन, बटर चिकन, और इसको हम खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ। राइट। We really had a best experience of having a food over here at Meals on Wheels. Already बहुत famous है राजा पार्क में, जयपुर में राजा पार्क में Meals on Wheels, जैज़ का जो फूड वैन 4 साल से जैज रन कर रहा था, that was a huge success। ये हमने खुद ने अपने आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, इनफैक्ट आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी ये टेक अवे, इट्स अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस फॉर यू, और होपिंग फॉरवर्ड की जैसे कि जैज़ ने भी बताया कि बाय नेक्स्ट ईयर शायद ये एक और वेंचर अपना ओपन करने वाले जयपुर में, सो जयपुर राइड्स के लिए एक और तो थैंक यू सो मच जैज भाई हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और हमेशा की तरह इतना अच्छा खाना, अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा हमेशा की तरह। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस, अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बांटते रहिए। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा, जिससे आप लोगों को हर बार की तरह नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे। और अभी तो बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, दुर्गा पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे ओकेशंस हैं, बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हमारे यस हमारे रेजोल्यूशन को आप ही लोग हमारी हेल्प करके पूरा करवा सकते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर, उसके लिए हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और तुम भी बोलो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना सैन चैनल को। और मैं आपको नवरात्र के बाद में बहुत अच्छी अच्छी 2-3 नई वैराइटीज भी खिलाऊँगा सी फूड एंड सूप में। गाइस प्लीज मस्ट ट्राई। और उसके अनाउंस उसके नोटिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। और दूसरी भी चीज़, अगर आपको छोटी छोटी स्टोरी चाहिए, अपडेट चाहिए, अपडेट चाहिए कि जैस का जो नए फूड्स हैं वो कब अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी नई नई वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। राइट। और मैं क्या नया स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल पंजाबी हूँ, रोज़ नया नया कुछ बनाना चाहिए, राइट, मैं उसी कदम पर चलता हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ व्यू बनाता रहता हूँ। तो उसके लिए अपडेट के लिए इनके चैनल को आप लाइक करें, इंस्टाग्राम पर भी लाइक करें, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे।
दूसरे वीडियो पे, बाय बाय।